सब्सक्राइब कीजिए नंदाश्रम हार्दिक चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उससे आपको सबसे पहले मेरी न्यूज मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यहाँ पे मास डिफेक्ट, ये जो मास डिफेक्ट होता है उसके बारे में। तो दोस्तों हम एक टॉपिक कंटिन्यू देख रहे हैं जिसका नाम यहाँ पे है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। उसके अंदर हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स देख लिए, लेकिन आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मास डिफेक्ट के बारे में। दोस्तों मास डिफेक्ट क्या होता है, लेकिन ये समझने से पहले मैं आपको एक पता होना चाहिए कि एटम होता है, कोई भी एक एटम होता है उसका वेट यानी कि उसका मास वो कितना होना चाहिए। वो वेट आपको पता होगा, वेट पता होगा उसके ऊपर से ही, मान लो कि उसका वेट आपको पता है, तो अगर आप उसका वेट पता है आपको तो उसके ऊपर से आप उसका कैलकुलेशन निकाल सकते हो। तो दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि जब भी कोई एक एटम होता है, एटम उसके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इन तीनों का टोटल होता है, इन दोनों का मिला के टोटल होता है, वो टोटल जो भी टोटल आंसर आता है उनसे थोड़ा कम रहता है, उसको यहाँ पे उन दोनों इन तीनों के टोटल करने के बाद भी जो यहाँ पे डिफरेंस मिलता है, जो डिफरेंस उसको यहाँ पे हम इसको मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी कि वो जो उसका वेट आ रहा है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है, इन तीनों के टोटल से भी कम आता है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा कि किस तरह से मास डिफेक्ट को निकालते हैं। जब भी हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैं बताऊँ आपको, न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन, ये दो टॉपिक है, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है। इन दोनों टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मास डिफेक्ट किस तरह से निकालते हैं और किसे कहा जाता है, प्रैक्टिकली आपको तब बताऊंगा। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए कि मास डिफेक्ट का मतलब ये होता है, जब भी आप यहाँ पे कोई भी एक एटम ले लो, उस एटम का न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन टोटल करने के बाद जो टोटल आता है उसमें भी जो थोड़ा सा कम, इन दोनों के टोटल करने के बाद भी जो वैल्यू आती है वो कम आती है, तो इसको यहाँ पे हम एटॉमिक मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी कि मास डिफेक्ट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों हम इसके बारे में आगे डिटेल्स में देखेंगे जब न्यूक्लियर फ्यूज़न और न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम डिटेल्स में जानकारी देंगे, इसके बाद के टॉपिक के बाद में, मतलब इसके बाद तीसरा टॉपिक होगा जो उसके अंदर हम देखने वाले। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल नंदा सारदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और आपका कोई भी सुझाव है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो।